जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम दारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायद्वीप होता क्या है। तो जमीन का ऐसा भाग या स्थल का ऐसा भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत का जो ये वाला भाग है ये भी तीन ओर से घिरा है पानी से। तो भारत के इस वाले भाग के इस साइड भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है नीचे की साइड में भी, और यहाँ पर भी पानी है। इन तीन साइड से पानी से घिरा होने के कारण भारत के इस भाग को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और भारत का ये भाग बहुत ही पुराना है, यानी ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये। और ये लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये विस्तृत है, इसलिए इसको भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। अब अगर प्रायद्वीपीय भारत को अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसका जो पहला भाग है वो हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती पहाड़ियां, मध्यवर्ती पहाड़ियां। और इसका जो दूसरा भाग हम पढ़ेंगे वो पठारों के रूप में पढ़ेंगे, यानी दूसरा भाग है पठार। तो इन दो टॉपिकों के माध्यम से, मध्यवर्ती पहाड़ियां और दूसरा है पठार, इसके माध्यम से हम इस प्रायद्वीपीय भारत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मध्यवर्ती पहाड़ियां। तो मध्यवर्ती पहाड़ियों को हम चार भागों में बांटते हैं। पहला है विंध्यांचल की पहाड़ियां, विंध्यांचल या विंध्यांचल की पहाड़ियां ना कह के इसको विंध्यांचल पर्वत श्रेणी लिखते हैं, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। दूसरा इसका भाग हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इसका जो तीसरा भाग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। तो तीसरा भाग है पश्चिमी घाट के रूप में हम पढ़ेंगे, और चौथा भाग हम पढ़ेंगे इसका पूर्वी घाट के रूप में। तो ये चार भाग है। तो ये मध्यवर्ती पहाड़ियों को हम चार भागों में पढ़ेंगे, और इन चार भागों के अंदर कई प्रकार की पहाड़ियां आई हुई है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसके अंदर आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है तो वो देखिए। इसके अंदर जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो चित्तौड़ से, चित्तौड़ जो आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर है, और चित्तौड़ से इसका विस्तार है सासाराम तक। सासाराम आप सभी को पता होगा ये बिहार में है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो राजस्थान के चित्तौड़ से शुरू होती है ये, और बिहार के सासाराम तक ये विस्तृत है। इसके अंदर दूसरी आपको बात ध्यान रखनी है कि ये ब्लॉक पर्वत है। ये किस प्रकार का पर्वत है तो ये ब्लॉक पर्वत है। अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है उसको भी मैं समझाऊंगा। मान लो कि ये वाला जो भाग है ये जैसे जमीन है। अब जमीन के अंदर आप सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की क्रियाएं होती है। तो पृथ्वी के जो आंतरिक बल है उस आंतरिक बल के कारण कभी कभार जमीन के दोनों साइड के भाग,
इस साइड का और इस साइड का। तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण यानी प्लेट विवर्तनिकी बल के कारण इस जमीन के दोनों साइड के भाग है वो नीचे धस जाते हैं, यानी नीचे की ओर उनका दसाव हो जाता है। जब इनका दोनों भागों का नीचे की ओर दसाव हो जाता है तो जमीन का ये वाला जो 20 वाला भाग है ये ऊपर उठा हुआ ऐसे कैसे रह जाता है और ये एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है, इसको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दूसरी, इसके अंदर क्या बात है आप याद रखेंगे कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसके अंदर जितनी भी चट्टाने हैं वो चट्टाने या तो चूना पत्थर युक्त होगी या फिर बलुआ पत्थर युक्त होगी। चूना पत्थर या फिर बलुआ पत्थर युक्त होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विंध्याचल पर्वत के अंदर जितनी भी चट्टाने हैं वो या तो बलुआ पत्थर या चूना पत्थर युक्त होगी। अब हम जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसको मैप के अंदर यहां पर देखते हैं। तो यहां पर देखिए, पहला भाग यहां पर देख लेते हैं, एक भाग, इसका ये दूसरा भाग, उसका ये तीसरा भाग और चौथा भाग, ये होगी पूरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसका जो ये पहला भाग आपको दिख रहा है ये है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत है ये, और ये है मध्य प्रदेश के अंदर पहला भाग। जो ये दूसरा भाग आपको दिख रहा है ये वाला, ये है बंडेर, तो इसका नाम है बंडेर की पहाड़ियां, बंडेर की पहाड़ियां, तो यह बंडेर की पहाड़ियां, ये भी है मध्य प्रदेश के अंदर। ये जो आपको तीसरा भाग दिख रहा है ये है कैमूर की पहाड़ियां, तो ये तीसरा भाग है, ये है कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, और ये फैली हुई है मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर। और ये जो चौथा भाग आपको दिख रहा है ये वाला, ये है राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, और ये है झारखंड के अंदर, झारखंड राज्य में। तो ये है विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जिसके अंदर पहला भाग है विंध्याचल पर्वत का जो मध्य प्रदेश में है, फिर बंडेर की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश में है, कैमूर की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश और बिहार राज्य में है, और राजमहल की पहाड़ियां जो झारखंड राज्य में है। अब ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो ऊपर वाला भाग है उसको हम उत्तरी भारत कहते हैं, और विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला जो दक्षिण वाला भाग है उसको हम दक्षिणी भारत कहते हैं। और इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है गुडविल, इंग्लिश में तो कहते हैं गुडविल और हिंदी में उसको कहते हैं सद्भावना चोटी, सद्भावना चोटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुडविल या सद्भावना चोटी ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है जो 752 मीटर है। तो ये 752 मीटर है वो ऊंची है। अब हम देखते हैं इस मध्यवर्ती पहाड़ियों का जो दूसरा भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो यहां पर देखिए दूसरा भाग यहां पर लिख देते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब ये जो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इसके अंदर आपको बात ध्यान रखनी है कि एक तो ये विंध्याचल के समानांतर है, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसके एक तो ये समानांतर है, तो विंध्याचल के समानांतर स्थित है,
समानांतर, और इसके दक्षिण में स्थित है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, दक्षिण में स्थित। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहां पर ये जो आपको दिख रही है, इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी के एक तो ये समानांतर स्थित है, इसके बराबर में ऐसे, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, यहां पर स्थित है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये भी ब्लॉक पर्वत है, यानी इसकी भी उत्पत्ति है इस टाइप से हुई है, तो ये भी ब्लॉक पर्वत है। और भारत के अंदर दो ही ब्लॉक पर्वत है, एक तो विंध्याचल पर्वत और एक सतपुड़ा पर्वत। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत में ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से पर्वत है, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, तो ये भी ब्लॉक पर्वत है। इसके अलावा इसके अंदर आपको अगर ध्यान रखना है, तो इस ब्लॉक पर्वत के कारण, इस तरह से उत्पत्ति होने के कारण, यहां पर तो आ गया सतपुड़ा, ये वाला भाग तो आ गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, और ये आ गया विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। और इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो पहले मैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसको बता देता हूं, उसके बाद में हम देखेंगे कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहां पर बहती है। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पहले यहां मैप के अंदर देखते हैं। जो ये वाला आपको भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं गिरनार, आपने नाम सुना हो तो, गिरनार की पहाड़ियां। फिर इसके पास में ये जो पहाड़ियां हैं, इसको कहते हैं राजपिपला की पहाड़ियां। ये गिरनार और राजपिपला, ये दोनों जो पहाड़ियां हैं, ये गुजरात में है। गिरनार की पहाड़ियां और राजपिपला की पहाड़ियां दोनों गुजरात राज्य में है। इसके आगे जो है, यहां पर ये है महादेव की पहाड़ियां, और ये महादेव की पहाड़ियां है ये एमपी में है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के अंदर। इसके आगे और एक पहाड़ियां हैं, ये है मैकाले की जो पहाड़ियां हैं, ये है मध्य प्रदेश के अंदर प्लस छत्तीसगढ़ के अंदर। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर मैकाले की पहाड़ियां हैं, और उसके आगे एक और पहाड़ी है, ये है, इस पहाड़ी का नाम है पारसनाथ की पहाड़ियां। तो पारसनाथ की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, ये पारसनाथ की जो पहाड़ियां हैं, ये है छत्तीसगढ़ में। तो ये हो गई छत्तीसगढ़। तो यहां पर देखिए, ये पूरा का पूरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। इसमें जो पहली पहाड़ी है वो गिरनार की पहाड़ी है, दूसरी है राजपिपला की पहाड़ी, ये दोनों गिरनार की पहाड़ी और राजपिपला की पहाड़ी गुजरात में है। तीसरी है महादेव की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश में है। चौथी है मैकाले की पहाड़ियां, पहली दूसरी तीसरी और चौथी मैकाले की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। और पांचवी है पारसनाथ की पहाड़ियां जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। और ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। और ये धूपगढ़ जो है, ये यहां पर है, ये जो मध्य प्रदेश के अंदर महादेव की पहाड़ियां हैं, इसी महादेव की पहाड़ियों में धूपगढ़ चोटी है इसी महादेव की पहाड़ियों के अंदर, जो 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी इस धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इन्हीं पर्वत श्रेणियों के बीच में से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं नर्मदा नदी। और इस सतपुड़ा नदी के दक्षिण से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी और जो ये नर्मदा नदी है,
वो दोनों इसी क्षेत्र से निकलती है और यहाँ पर अरब सागर में ये गिरती है। तो इस तरह हमने आज देखा प्रायद्वीपीय भारत और उसको दो भागों में हमने बांटा, मध्यवर्ती पहाड़ियाँ और पठार के रूप में। और उस मध्यवर्ती पहाड़ियों को हम पढ़ रहे थे, उसके हमने दो भाग पढ़े हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। तो जो पश्चिमी घाट है वो तो हम यहाँ पर देखेंगे इस साइड, और जो पूर्वी घाट है वो देखेंगे इस साइड। तो ये जो दोनों भाग है ये अगले वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे।